गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज आ गए हम भैया अगली वीडियो पे। पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट्स कई सारे देखे थे, अजम्पशन कई सारे देखे थे। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं। देखो कई सारे प्रिंसिपल होते हैं, अप्रोक्सीमेट 11 प्रिंसिपल होते हैं और इनमें से एज आई सेड अर्लियर 3 नंबर का क्वेश्चन आना लगभग तय होता है। या तो आपके अफेली में आता है या फाइलिंग में आता है, कहीं ना कहीं तो ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। तो भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, क्या क्या ये समझा जाता है, क्या रूल फॉलो करने पड़ते हैं, वो सारी चीजें आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 11 प्रिंसिपल हमको पढ़ने हैं। आज आपको 4-5 प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, कल भी पढ़ाऊंगा, 2-3 दिन में चैप्टर खत्म करेंगे, फिर थ्योरी पूरी समाप्त करके आ जाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन और बाकी सारे न्यूमेरिकल पार्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं कौन से हैं, देखो कई सारे प्रिंसिपल्स हैं। ये अकाउंट में पक्की बात है भैया, ये तो है ही है, ये फंडामेंटल ट्रुथ है कि भैया ये तो चलेगा ही चलेगा, ऐसा होना ही होना है। तो क्या है, चलिए देखते हैं। पहला प्रिंसिपल एंड द बेसिक प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या है ये प्रिंसिपल, देखो नाम बताता है, सेपरेट अलग लीगल एंटिटी, यानी लीगली अलग है। कौन अलग है, एक बिजनेसमैन और उसका बिजनेस। अब बिजनेसमैन इज सेपरेट फ्रॉम हिज बिजनेस। जो आपका बिजनेसमैन है, देखो ये ना, ये जो आपका बिजनेसमैन है जो बिजनेस चला रहा है वो बिजनेस से बिल्कुल अलग है, यानी कि ये दोनों चीजें सेम नहीं है। वो गल्ले में से पैसे निकालेगा घर के काम के लिए तो उसका प्रॉफिट नहीं होगा, वो उसकी ड्राइंग कहलाएगी, प्रॉफिट निकालने के बाद दिया जाएगा, वो अलग बात है। तो क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, या बिजनेस लिखना, हमारे राइटर साहब बिजनेस लिखना भूल गए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, यानी आपका जो बिजनेस है वो उसके मालिक से अलग लीगल एंटिटी होती है। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर देयरफॉर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, यानी आप अपनी किताबों में जो हम आगे अकाउंट्स बनाएंगे उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो बिजनेस को देखते हुए करेंगे, बिजनेसमैन को देखते हुए नहीं करेंगे। कम ऑन, मेरी बात वापस से सुनना, जितने भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे वो सारे ट्रांजेक्शन बिजनेस को देखते हुए करेंगे, बिजनेसमैन को देखते हुए नहीं करेंगे। आपसे हमेशा ये सोचना मैं बिजनेस हूं और चलाने वाला बिजनेसमैन कोई और है, तो बिजनेस सोच के कि मैं बिजनेस हूं, अगर बिजनेस में पैसा लगाया गया है तो बिजनेसमैन के पास तो गया, आया किसके पास, मेरे पास, मैं कौन हूं, आई एम बिजनेस, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी, एंटिटी क्या होता है अपन ने पढ़ लिया, तो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है इनकेस ऑफ लॉ या कानून की नजरों में। बिजनेस अपने बिजनेसमैन से बिल्कुल अलग होता है, सेपरेट होता है। ठीक है, और जितने भी आप ट्रांजेक्शन अपनी किताबों में लिखेंगे वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन आप एज अ बिजनेस काम करेंगे, नॉट एज अ ओनर, यानी बिजनेस समझ के काम करेंगे, मैं बिजनेस हूं और मैं अपनी किताबों में लिख रहा हूं, मैं बिजनेस मैन नहीं हूं। समझ में आ गई ये चीज। अब भाई एक बात बताओ, मैं बिजनेस हूं, मुझे चलाने वाला कोई और है, यानी दुकान का गल्ला भी यूं खड़ा हो गया, बोले मैं बिजनेस हूं, समझ रहे हो, और उसको चलाने वाला जो बंदा है वो बिजनेसमैन है, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। जितनी भी रिकॉर्डिंग आप करेंगे वो उस गल्ले के हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से, आपके ऑपरेशंस के हिसाब से आपको करनी है, बिजनेसमैन के हिसाब से नहीं करनी है। तो भाई बिजनेसमैन कौन हुआ फिर, देखिए ओनर आर ट्रीटेड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। ओनर क्या होता है, ओनर क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर होने का मतलब क्या है, क्रेडिटर का मतलब लेने वाला जो पैसा लेके जाएगा। तो बिजनेस के लिए जो बिजनेसमैन है, जो उसको चलाने वाला है, वो क्रेडिटर है, यानी मेरी जिम्मेदारी है, बिजनेस की जिम्मेदारी है कि बिजनेसमैन ने जितना पैसा मेरे अंदर लगाया है, जितनी कैपिटल लगाई है, उसका भुगतान मुझे उसको करना है अलोंग विद प्रॉफिट सैलरी और जो कुछ भी उसको देना है वो सब।
समझ आया? सो बिजनेसमैन क्या है? बिजनेसमैन एक क्रेडिटर है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल, यानी जितनी कैपिटल उसने लगाई है उतनी लिमिट का एक क्रेडिटर की तरह उसको लेंगे इसको बिजनेसमैन को। क्यों? क्योंकि हमारी जो बिजनेस है वो बिजनेसमैन से अलग है। कौन सा प्रिंसिपल है ये? इट इज नोन एज सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तब मैं आ गया पहला प्रिंसिपल सिंपल था। दूसरा प्रिंसिपल अपना आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट देखो नाम बताता है काम क्या होता है, मनी मेजरमेंट यानी पैसे में मेजर किया जा सके। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉमा ओनली दो ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। यानी आपको वो ही सारे ट्रांजेक्शन लिखने हैं जिनको आप पैसे के तराजू में तोल सके। पैसा आया नहीं आया उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पैसे के तराजू में तोल सके। मैंने किसी की मदद करी अब उसको आप पैसे के तराजू में नहीं तोल सकते, तो वो चीज आप अपनी किताबों में नहीं लिखेंगे। मैंने किसी को 100 रुपए का सामान दिया वो क्या है उसको मैं पैसे के तराजू में तोल सकता हूं तो वो लिखूंगा। मैंने किसी को 100 रुपए का सामान गिफ्ट में दिया वो भी पैसे के तराजू में तोला जा सकता है, 100 रुपए की चीज थी वो, इसलिए मैं उसको अपनी किताबों में लिख दूंगा। समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आपको सिर्फ वही ट्रांजेक्शन लिखने हैं जो कि पैसे के तराजू में तोले जा सके, यानी उनकी कोई कीमत हो। अगर कीमत नहीं होगी तो उसको आप नहीं लिखोगे अपनी किताबों के अंदर। तो भाई जितने भी ट्रांजेक्शन आप देखोगे उन सबकी कोई ना कोई कीमत होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है कोई कीमत नहीं है तो उसको अपनी किताबों में कभी भी नहीं लिखा जाएगा। समझ में आ गया? आगे देखिए, दैट इज मनी इज द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन द ट्रांजेक्शन। डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला होता है नीचे वाला होता है, पढ़ा है ना अपन ने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है यानी कि इस बेस मनी होना चाहिए जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे वन। वैसे ही अकाउंट में जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उसके नीचे मनी का होना जरूरी है। अगर नीचे मनी नहीं है तो वो गिर जाएगा, समझा? टकेगा टिकेगा नहीं गिर जाएगा। तो भाई सेकंड प्रिंसिपल क्या बोलता है? सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कीजिए जिनको आप पैसे के तराजू में तोल सकते। दो गए तीसरे पे बढ़े आ रहा है थोड़ा फ्लो में आ रहे हैं धीरे धीरे। थर्ड है आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल एक जरूरत है, क्यों जरूरत है इसको पढ़ने के बाद समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कॉमा द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इंटू स्मॉलर पीरियड्स सो दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एवरी पीरियड विच इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। यानी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आपके बिजनेस की लाइफ को आपको टुकड़ों में तोड़ना है। हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था गोइंग कंसर्न अजम्पशन पढ़ा था अपन ने पिछली वीडियो में, देखी होगी आपने। तो भाई गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब क्या होता है कि बिजनेस चालू करते समय बिजनेसमैन का कोई इरादा नहीं होता कि वो उसको बंद करने के लिए चालू कर रहा है, वो उसको लंबे समय तक पता नहीं कब तक चलाने के लिए, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती वो उसको चलाने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो उसी तरीके से अब देखो हमको बिजनेस की परफॉर्मेंस उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसके एसेट्स उसकी लायबिलिटी ये सब पता होने चाहिए तभी बिजनेसमैन आगे के लिए प्लान बनाएगा, पता होने चाहिए तभी प्लान बनाएगा आगे के लिए। तो ध्यान से समझना इस चीज को क्योंकि बिजनेस की लाइफ तो अनलिमिटेड है, तो अब वो पता कब चलेंगे जब लाइफ खत्म होगी। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो। और टुकड़े क्या होते हैं, जैसे आपका एक साल हो गया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक टुकड़ा हो गया, एक पीरियड हो गया। अब वो हर टुकड़े के एंड में यानी हर पीरियड के खत्म होने पे यानी 31 मार्च को आप अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी उसके अकाउंट्स को सबको बंद कीजिए और वापस से नए अकाउंट क्रिएट कीजिए ताकि आपको अपने कंपनी के बारे में एक बेहतर और सही इंफॉर्मेशन मिल सके। तो एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड फाइनल अकाउंट्स आर क्रिएटेड, जो कि आपकी किताब का 19 नंबर का चैप्टर है जिसमें ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाई जाती है। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था क्या होते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाना चाहिए। वो टुकड़े जनरली एक साल होते हैं आपके,
ताकि सो दैट द परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी पीरियड विच इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग पीरियड. इसको आप अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है, समझ गए. थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है, द लाइफ ऑफ द बिजनेस शुड बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर लॉट सो दैट उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करा जा सके, कंपेयर करा जा सके, अंडरस्टैंड करा जा सके और उसके बेसिस पे फ्यूचर के प्लान बनाए जा सके. ठीक है जी, समझ में आ गया. चौथा प्रिंसिपल आज देखते हैं, एक प्रिंसिपल और देखेंगे. चलिए हाँ जी, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. अब देखो नाम काम बताता है, मैं हमेशा कहता हूं नाम पे ध्यान रखा करो, काम अपने आप पता चल जाएगा. फुल डिस्क्लोजर, पूरा खोल देना, डिस्क्लोज कर देना, बता देना. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, देर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी. यानी कि हमारे बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ट्रेडिंग होंगे, पीएनएल होंगे, बैलेंस शीट होगी, कैश फ्लो होगा, इन सबको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ये लीगली कंपल्सरी है कि आपको अपने सारे स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा इफ रिक्वायर्ड, ताकि सब लोग उसको समझ सके, ताकि सब लोग आपकी वर्किंग कंडीशन को समझ सके और सब लोगों को पता हो कि क्या चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है. सो इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर अ कंपनी टू डिस्क्लोज इट्स फाइनेंशियल अकाउंट. किस फॉर्म में, हमने पढ़ा है कि भाई सारी दुनिया एक ही तरीके के स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है, उसी पे काम चलाना है. तो उसी फॉर्म में आपको अपने अकाउंट्स को डिस्प्ले करना है सो दैट उसको अंडरस्टैंड करा जा सके, उसको कंपेयर करा जा सके और उससे आउटपुट निकाला जा सके. देखो भाई, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग on the financial statement of all significant information relating to the economic affair of the entity. आपको पता चला कि भैया जियो के थर्ड क्वार्टर में उसको इतना फायदा हुआ, जून के महीने में जियो ने 97 लाख न्यू कस्टमर्स एड अप करे, ये कैसे पता चला, क्योंकि इट इज लीगली कंपल्सरी कि आप अपने रिपोर्ट्स को, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप डिस्प्ले करेंगे, उसको दिखाएंगे, डिस्क्लोज करेंगे, ताकि उससे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन और ट्रेंड और बाकी सारी चीजों का पता लगाया जा सके. ठीक है, चार प्रिंसिपल आज की तारीख में मैंने करा दिए हैं. भैया आप लोगों ने बोला है कि सर वीडियो को लंबी ज्यादा ना खींचो, तो हम वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे. दो वीडियो और अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, उसके बाद थ्योरिटिकल पार्ट की समाप्ति और प्रैक्टिकल पार्ट पर आएंगे. मतलब यूं घुसेंगे, क्यों, क्योंकि सारा बेस क्लियर खत्म कर चुके हैं हम. तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और बचे कुचे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ. टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग अकाउंट्स अड्डा, डू लाइक कमेंट शेयर एंड